चाहे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें प्रयास तो करना होगा, और प्रयास तो करना होगा हमें। इंडिया जो खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी बहुत कुछ कर सकती है अगर चाहे तो, ओनली इफ आई वॉन्ट। आज वंस अगेन मैं विश करना चाहूंगी हर उस लड़की को, हर उस औरत को जिसने खुद के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कुछ किया, अ वेरी 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 हैप्पी वुमेन्स डे। लेकिन उनके लिए नहीं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, इंक्लूडिंग मी, हमें हमारा वुमेन्स डे हैप्पी बनाना है। नो मैटर कैसे भी बनाए, कोई भी हम कुछ भी करें, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा अगर हम विरोध करेंगे तो हमें शायद हमारी जान ले लें, शायद हमें मार दें, हमें बदनाम कर दें। इससे ज्यादा करने की किसी को हिम्मत है? नहीं, कुछ भी नहीं। हम डरते हैं इनसे, एक जान चली जाएगी, एक शिवानी शर्मा मर गई, हजार हो जाएगी, लेकिन एक चेंज अगर हुआ उस चेंज को कोई नहीं मार पाएगा, उस बदलाव को, उस सोच को कोई नहीं मार पाएगा। हमें ज्यादा कुछ एक्चुअली करना नहीं है, हमें सिर्फ इतना सोचना है कि रीजंस क्या है और हम कर क्या सकते हैं। रीजंस हमें सबको पता है, रीजन ये नहीं है लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है, रीजन ये है कि लड़के, चाहे लड़कियां छोटे कपड़े पहने चाहे बड़े, लड़के उसको गलत नजरिए से देखते हैं, थिंकिंग इज रॉन्ग, उनका अजम्पशन, उनकी थिंकिंग, उनके थॉट्स इम्प्योर है, उनके थॉट्स गलत है, गलती कमी हम में नहीं उनमें है। हमें उस थॉट को क्लैरिफाई करना है, हमें ये सिर्फ ये करने से कि ये करना है वो करना है, ये सब बोलने से, रैली करने से, स्पीच करने से आई डोंट थिंक कुछ बड़ा हो पाएगा। हो सिर्फ इतना पाएगा कि चार लोग सुनेंगे, चार औरों को बताएंगे। ये चेन अगर आगे बढ़ी तो शायद अगर भारत भारती स्कूल से 50 स्टूडेंट भी अच्छे सोच के जा रहे हैं, 50 स्टूडेंट में भी लड़कियों की रिस्पेक्ट करने की फीलिंग है, आई थिंक भारत भारती एक बहुत बड़ा पार्ट बना पाएगी समाज में, हु इज एक्चुअली राइट, हु इज एक्चुअली प्योर। थॉट्स और पता है सोच कैसे सही होगी, जब हमारे संस्कार सही होंगे, जब हम एक अच्छा एनवायरनमेंट बना पाएंगे। यहाँ पे सब लेडीज जो बैठी है सबके बच्चे हैं, मेरी मम्मी भी मुझे ये सिखाती है, मेरे भाई को भी ये सिखाती है कि कभी किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ मत करो जिससे उसको पूरी जिंदगी दुख देखना पड़े। तो अपने बच्चों में ऐसे संस्कार दो कि उनके दिमाग में लड़कियों को लेके एक वासना की सोच पैदा ही ना हो, वो ऐसा कुछ सोचने से पहले इस चीज को पाप माने, वो सोचे कि यस दिस थिंग इज सिन, आई वुड नॉट डू इट एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए मैं ऐसा नहीं करूंगा। अपने बच्चों को ये सिखाओ, मेरा छोटा भाई है, किसी के बड़ा भाई होगा, अपने भाइयों को ही समझाओ कि हम कोई चीज नहीं है, वी आर नॉट अ थिंग, वी आर अ पर्सन, वी आर अ ह्यूमन बीइंग हु हैज फीलिंग्स, हु कैन एक्चुअली ब्रिंग अ बिग चेंज। अगर हम समाज को जन्म दे सकते हैं तो हम समाज का विनाश करने की भी शक्ति रखते हैं। नो मैटर कि हम अगर चुप बैठे हैं, अगर एक औरत ने साड़ी पहन रखी है इसका मतलब ये नहीं कि वो भाग नहीं सकती, इसका मतलब ये है कि वो भाग के पुरुष से आगे जाना चाहती नहीं है, वो पुरुष को नीचा दिखाना चाहती नहीं है, वरना कर तो बहुत कुछ सकते हैं। आज बेस्ट एग्जांपल आता मैम हमारे सामने, एक लेडी के लिए इज इट पॉसिबल कि एक दो स्कूल खड़ी करना, चलाना, ये कोई छोटी बात नहीं होती। आज हम किसी को, एक लड़की, एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाती, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, वो चीज करना भी बहुत मुश्किल होता है। दो स्कूल चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन कर रही है बिकॉज शी इज प्रूविंग कि गर्ल्स, लेडीज में हिम्मत है। इतनी सारी लेडीज टीचर बैठी है, हमें पढ़ा रही है, हमें बोलने लायक बनाया, हमें आज मैं यहाँ हूँ टीचर्स की वजह से, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, मुझे मेरी लैंग्वेज मेरी टीचर्स ने दी। जब मैम हमें सिखा सकती है तो ये सोचो कि वो हमारी सोच भी बदल सकती है, हम सोच भी बदल सकते हैं। सो जस्ट मेक अ डिफरेंस कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आदरणीय लाला मैडम, माथुर सर और सभी टीचर्स, आप सब तो जानते ही हैं कि आज ही पर मैं अपने विचार आपके सामने व्यक्त करना चाहती हूँ।